हाँ, इंडिया पर आ रही इस वक्त थाना सिधौली क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर थाना सिधौली का घेराव किया और जमकर हंगामा करता। आखिरकार क्या वजह रही इसके लिए हमारे साथ आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजन जी बताएं, आखिरकार ये लोग कौन थे और क्यों हंगामा करने थाना सिधौली पहुंचे थे? जी निशान जी, आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़िया हसनपुर निवासी पंकज पुत्र वेचेलाल, जिसकी कल संदिग्ध परिस्थितियों में नागपुर में मुंबई में मौत हो गई, आज उसके परिवार वाले उसके शव को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां पे उन्होंने हंगामा काटा है। हंगामे की वजह बता रहे हैं कि जो वहां पे पोस्टमार्टम उनका कराया गया है वो संदिग्ध है। साथ ही उनके परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी 20 दिन पूर्व ही पंकज के गांव में ही एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, जिस पर लड़की के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसके बाद पंकज डर कर मुंबई काम करने चला गया। उसके बाद वहां पे उसकी तबीयत खराब होने वो अस्पताल में एडमिट हो, जहां पर उसकी कल कल दिन बुधवार को मौत हो गई। जी बिल्कुल, ये मौत की वजह बताएगी। तो हंगामा किसने काटा आखिरकार, सिधौली थाने पे क्यों पहुंचे? जी किसान जी, हंगामे की वजह यही रही, परिजन जो थे कह रहे, उनका कहना था जो लड़की के परिजनों द्वारा इसकी पिटाई की गई उसी को कारण मानते हुए वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी संदिग्ध मान बताते हैं। उनके परिजन की जब लड़की के परिजनों द्वारा इसकी पिटाई की गई थी, तब इसके कान से खून आ गया था, इसलिए उसी को वजह मानना है कि मतलब उसके जो कल कल उसकी मौत हुई है उसी वजह से हुई है। राजन जी, ये जो पहुंचा है था मुंबई, मुंबई ये कब गया और ये विवाद कब हुआ था गांव में? गांव में विवाद इसका 20 दिन पूर्व एक लड़की के साथ ये पकड़ा गया था, जहां पर लड़की के परिजनों द्वारा इसकी पिटाई की थी। बाद में गांव के संभ्रांत लोगों द्वारा इसका सुलह समझौता किया, लेकिन पंकज जो था ये डरा सहमा था। इसके बाद ये इसको तरह तरह के उलाहने गांव में मिल रहे थे, तो ये यहां से मुंबई काम करने के लिए चला गया था। वहीं इसकी तबीयत अभी दो तीन दिन पूर्व बिगड़ी थी, जहां पर इसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ठाणे पुलिस द्वारा एक पोस्टमार्टम भी इसका कराया गया, जिसमें इसका पोस्टमार्टम में लीवर में फेफड़ों में संक्रमण और इसके मस्तिष्क ज्वर को ही कारण माना गया था, जिसको परिवार पंकज के परिजनों ने पूरी तरीके से नकार दिया और उन्होंने कहा कि हम इस पोस्टमार्टम को संदिग्ध मानते हैं। और वो पोस्टमार्टम दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आज शव लेकर कोतवाली पहुंचे थे। तो आज वहां कोतवाली से क्या रिस्पांस मिला? जब कोतवाली ये लोग पहुंचे हैं, तब वहां पे लगभग इनके साथ 100 ग्रामीण भी साथ में थे, तो कोतवाली के बाहर हंगामा, जिसके बाद सीओ सिधौली द्वारा आसपास के क्षेत्र की पुलिस भी बुलाई गई, सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया। उसके बाद परिजनों से बात की गई, सीओ ने बताया है कि एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें पुनः पोस्टमार्टम को लेकर तहरीर दी है परिजनों ने, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम आने के बाद ही कुछ साफ होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आई इंडिया के सहयोगी राजन भार्गव ने बताया है कि सिधौली थाना क्षेत्र के ग्राम गड़िया हसनपुर का रहने वाला जो था पंकज, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसी के गांव में एक लड़की से कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद जो है लड़की के जो पिता थे और परिजन वगैरह थे लड़की के, उन्होंने जो है पंकज को मारा पीटा था, जिसके बाद जो है संभ्रांत व्यक्तियों के सामने जो समझौता हुआ था। फिलहाल जो मृतक पंकज है, उसके परिजनों का आरोप है कि जो लड़की के परिजनों ने उसको मारा था, उससे काफी गंभीर चोटें आई थी और लगातार उसके बेटे पंकज को जो है धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद पंकज को जो है मुंबई एक प्राइवेट ऐसे भेज दिया गया था वहां नौकरी के लिए, और वहां पर नौकरी का था जिसकी हालत 3-4 दिन पहले बिगड़ी और कल जो है बुधवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल जो वहां पे थाने पुलिस के द्वारा जो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है कि उसका जो है मस्तिष्क ज्वर और फेफड़ों में जो है संक्रमण की वजह बताई गई थी, इसके चलते उसकी मौत हुई, लेकिन परिजन इस बात को जो है नहीं मान रहे हैं, वह इस रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संदिग्ध बता रहे हैं। जिसके बाद जैसे ही आज जो है मुंबई से जो है उसका पंकज का शव आया, तो शव एम्बुलेंस में लेकर ही सैकड़ों ग्रामीण जो है थाना सिधौली पहुंच गए और वहां घेराव किया और लड़की के परिजनों के द्वारा जो है मुकदमा लिखाने की मांग की गई, और जिसके बाद इन्होंने काफी हंगामा किया। लेकिन वहां पे मौके पर जो पहुंचे सीओ सिधौली शोभित कुमार ने अन्य पुलिस बल को वहां पे मौजूद किया और परिजनों से बात की, तो परिजनों के द्वारा उनको बताया गया, आश्वस्त किया गया परिजनों को कि जो मृतक है इसका रिपोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इस तमाम जानकारी के लिए राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी।
बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।